सब कुछ तय समय पर होता रहा तो धनबाद रेल मंडल के कुसुंडा, बसेरिया, बांसजोड़ा, सिजुआ, कतरास, सोनाडी स्टेशनों का अस्तित्व ही मिट जाएगा, जबकि कुछ दूसरे जगह के यात्रियों को अधिक रेल सुविधा मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद चंद्रपुरा के बीच जिस नई वैकल्पिक रेलवे लाइन का शिलान्यास किया है, वो लाइन तैयार होते ही पुरानी डीसी लाइन बंद कर दी जाएगी। हालांकि रेलवे इससे इनकार कर रहा है। रेलवे ने 2027 के मार्च महीने में नई रेल लाइन का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रेलवे 28 किलोमीटर इस नई लाइन को स्थायी डायवर्जन मान रहा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार नई लाइन के बनने के बाद मौजूदा अग्नि प्रभावित धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का ट्रैफिक नई लाइन पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद तो कई स्टेशनों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये अलग बात है कि इससे कई जगहों के लोगों को परेशानी होगी, लेकिन रेलवे के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि रेल लाइन भूमिगत आग की जद में है और इस पर काम नहीं हुआ तो फिर से रेल लाइन को बंद करना पड़ सकता है। 15 जून 2017 को रातों रात ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 25 फरवरी 2019 से इस लाइन पर फिर से ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी। इसके बाद से ही वैकल्पिक मार्ग के लिए सर्वेक्षण किए जाने लगा था। 28 अगस्त 2023 को इस योजना को स्वीकृति मिली। हालांकि रेल अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर ट्रेनें चलती रहेंगी, ट्रेनों को बंद नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार डीसी लाइन पर एक बड़ा और 68 छोटे पुल बनेंगे। नई लाइन के लिए रेलवे 25.33 एकड़ जमीन अधिग्रहित करेगा। जो भी हो, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को लेकर एक संशय तो बना हुआ था ही, लेकिन अब वैकल्पिक रेल लाइन हो जाने से सांसें खत्म हो सकता है। वैसे रेलवे का दावा है कि वर्तमान रेल लाइन को भी बंद नहीं किया जाएगा। अब देखना है वैकल्पिक रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद आगे और क्या निर्णय लिया जाता है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।